हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है स्टूडियोमैन की तरफ से जो एम्पलीफायर आता है HDA 7000, जो कि बेस के लिए बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। कम बजट में आप इसे एक अच्छा एम्पलीफायर कह सकते हैं। और यहीं पर मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसके अनबॉक्सिंग से पहले कि जो भाई स्टूडियोमैन का HDA 7000 इस एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग वीडियो हमने थोड़ा स्पीड कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए पहले हम एम्पलीफायर को बॉक्स के बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका मैनुअल बुक है जिसमें डिटेल्स दिया हुआ है। आउटपुट की बात करें तो देख सकते हैं 4 ओम्स पे 2800 वाट पर चैनल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, 8 ओम्स पे 1800 वाट और 2 ओम्स पे 2800 वाट। और बाकी यहाँ पे डंपिंग फैक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं 1000 दिया हुआ है, जो कि बेस के लिए परफेक्ट एम्पलीफायर हो जाता है। और इस एम्पलीफायर का सामने का फ्रंट लुक आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने इस एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग कर रखा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर आई बटन पर भी इसका लिंक दे देता हूँ। तो पैकिंग भी काफ़ी अच्छा था एम्पलीफायर का, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। और अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं पूरा तो आप इसका पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम एम्पलीफायर को पहले पूरा बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका टेस्टिंग वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। एम्पलीफायर की फिनिशिंग को कंपनी ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू भी अंदर फ्रेम के अंदर ही लगा रखा है, चेजिस में आप देख सकते हैं बाहर नहीं आया है एक भी इसका जो स्क्रू है वो। आउटपुट की बात करें तो 2 ओम्स पे हमें 2800 वाट पर चैनल देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एम्पलीफायर 2 ओम्स पे स्टेबल भी है, तो आप इसमें आराम से 2 ओम्स पे 3000 वाट से लेकर के 3500 वाट तक का लोड दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छे से चलेंगे। कंपनी ने इस बात का ध्यान रखा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इसे 2 ओम्स पे ना चलाएँ। अगर 2 ओम्स पे चला भी रहें तो हेडरूम छोड़ करके चलाएँ ताकि एम्पलीफायर को कोई परेशानी ना हो। और 4 ओम्स पे इस एम्पलीफायर का आउटपुट मिल जाता है 2800 वाट, तो आप इसमें 1200 वाट से लेकर के 1500 वाट तक के 4 बेस का यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर का। इनपुट आउटपुट के लिए XLR पिन का यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट के लिए स्पीकर जिसमें ब्रिज मोड अलग से दे रखा है, केबल भी काफ़ी हैवी दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे इस एम्पलीफायर्स में कि इसमें कूलिंग के लिए 4 फैन दे रखा है। गर्मी के दिनों में भी अगर एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे तो आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इसमें बेस चला रहे हैं तो। टॉप भी इस एम्पलीफायर में आप चला सकते हैं, 4 पीस काफ़ी अच्छे से चल जाएंगे। 4 फैन यहाँ पर पीछे 2 फैन दे रखा है और सामने 2 फैन आपको यहाँ पर मिल जाता है, टोटल 4 फैन इसमें हैं। अगर आपको और इसके बारे में डिटेल्स देखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसका टेक्निकल डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम एम्पलीफायर को ऑन ऑफ करके देखते हैं, उसके बाद हम इसका साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा एम्पलीफायर को ऑन करते ही ये प्रोटेक्शन मोड में ऑन होता है, उसके बाद ये फिर चलने के लिए रेडी हो जाता है 5 सेकेंड के अंदर में। एक बार फिर से ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे ये प्रोटेक्शन मोड में ऑन होता है, जिसे आप सॉफ्ट स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे फैन आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऑन करेंगे सामने भी फैन आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब ये हमारा एम्पलीफायर चलने के लिए रेडी है। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम इस एम्पलीफायर को वायरिंग करके आपको इसका साउंड टेस्टिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वायरिंग कम्प्लीट कर लिया है, और सबसे पहले हम पेन ड्राइव से इसका टेस्टिंग देखेंगे। तो वायरिंग कुछ इस प्रकार से रहेगा, पर चैनल हमने एक 12 बेस लगा रखा है, एम्पलीफायर को मैंने मोनो मोड पे रखा है जिसे आप पैरेलल मोड के नाम से भी जानते हैं। पर चैनल हमने ये अपना 2 बेस यूज किया है, मतलब एक चैनल पे एक 12 बेस। वायरिंग पीछे के साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे अंधेरा है। तो चलिए हम इसका टेस्टिंग एक बार देख लेते हैं। मैं इसे पहले नॉर्मल मोड पे बजाऊंगा, उसके बाद हम इसे सबवूफर मोड पे भी टेस्टिंग करेंगे। तो हेडफोन का यूज करिएगा ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो
और ट्रैक पे हम इसका साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं, क्योंकि इसी सॉन्ग को अगर मैं लंबे समय तक चलाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट आ सकता है। चलिए एम्पलीफायर को एक बार सबवूफर मोड पे कर लेते हैं, जिसे आप लो पास फिल्टर के नाम से जानते हैं। स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक साउंड टेस्टिंग वीडियो अपलोड किया जाता है। दोस्तों ये देखा आपने HDA 7000 का साउंड टेस्टिंग, और यहाँ पे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भाई इस एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि इस एम्पलीफायर की क्वालिटी आपको कैसा लगा और इसमें आप कितने वाट के कितने स्पीकर यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जब आपने ये एम्पलीफायर लिया था तो आपको ये एम्पलीफायर किस प्राइस रेंज में मिला था, इसके बारे में भी कमेंट करते जाइएगा। फिलहाल अभी ये एम्पलीफायर जो है आपको 60,000 मतलब 55,000 से लेकर के 60,000 के बीच में मिल जाएगा। DJ Plus या स्टूडियो में के डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने केवल बेस का टेस्टिंग किया है, जो कि नॉर्मल मोड और सबवूफर मोड दोनों में हमने इसका टेस्टिंग कर रखा है। और इससे पहले भी हमने इस वाले एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग ऑलरेडी इस वाले बेस के साथ कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका पूरा लिंक दे रहा हूँ, या फिर आई बटन पर भी आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।